तो वेलकम बैक गाइस, आ चुके हैं यार एक और न्यू पबजी मोबाइल के गेम प्ले के साथ वापस। और आज हम जा रहे हैं भाई साहब नोवर अपनोए में, और अभी मैं खेल रहा हूँ फिलहाल रवि के साथ और रवि के भाई के साथ। तो इस वाले मैच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, पर यार इस वाले मैच में ना एक मिस्टेक होगी मेरे से, मतलब मैंने ये गलत वाली पावर ले ली। मुझे चाहिए थी वो लोकेशन ट्रैकर वाली पावर भाई, वो सबसे मस्त पावर है। तो अभी मैं और गेम एक्स प्रो और उसका भाई उतरे हुए थे भाई नोवर अपनोए में। अब यहाँ पे मैंने एक वेस्ट उठाई, एक हेलमेट उठाया, उसके बाद भाई ढूंढने चलते हैं एक गन। और जैसी गन मिली भाई मैंने यहाँ पे बंदों पे पुश करा, पर दो बंदे इधर दिखे, दो बंदे हैं। पहले जो है मुझे लग रहा था बंदे जो है वेरा उसमें है, पर बंदे तो भाई इधर कोने में कंटेनर में कैंप कर रहे थे। पर इन बंदों को मैंने इजिली मारा और कुछ बंदे इधर की तरफ भी थे। तो गाइस मोस्ट ऑफ द टाइम मैं तुम्हारे से ये चीज़ नहीं बोलता कि तुम इस वाली वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, पर अगर तुम इस वाली वीडियो को लास्ट तक देखते हो तुम्हें कुछ यूनिक चीज़ देखने के लिए मिलेगी इस वाली वीडियो में 100%। हम तीनों ने जो है भाई कंटेनर्स पे सारे के सारे बंदों को मार दिया था, यहाँ पे इतने ही बंदे थे और तीन किल मिल गए भैया, सबसे बढ़िया बात है ये तो। पर अभी मेरा टीम मेट इधर की तरफ मार्क करता है और जैसे ही मैं इसके पास जाता हूँ भाई से कोई नॉक कर देता है। और गाइस जैसे ही ये बंदा आर्यन को नॉक करता है गेम एक्स प्रो के भाई को, तभी भैया रवि पेल देता है इस बंदे को। तो चलो रिवाइव देते हैं अब ना, ग्लोबल है। तीन किल तो मुझे मिल गए थे पर मुझे थोड़े एक्स्ट्रा किल चाहिए थे। अभी फिलहाल मैं आता हूँ इधर की तरफ और यहाँ पे घरों में भी दो बंदे मिले मुझे। जिनमें से कि एक बंदे को मैंने नॉक करा और एक इस दीवार के पीछे था, तो मैंने इन दोनों बंदों को भी मार दिया। और अगर मैंने इन्हें मारता तो ये दोनों बंदे भाई आपस में लड़के मर जाते, क्योंकि ये दोनों बंदे अलग अलग टीम के थे, ये एक टीम के नहीं थे। फिलहाल मैं जैसे इन बंदों को मारता हूँ उसके बाद भाई थोड़ी सी हीलिंग वगैरह करता हूँ, और हीलिंग वगैरह करने के बाद हमने सीधा गाड़ी उठाई अपनी, और गाड़ी उठाने के बाद गए हम और बंदों पर रश करने। गाइस मैं तुम्हारे से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, तुम मुझे बताना भाई वो तुम्हें नया वाला जो व्हीकल आया है जो कि हवा में उड़ता है, मोटर ग्लाइडर आई थिंक से उसका नाम है भाई, वो तुम्हें मिला है या नहीं, मतलब ये चीज़ मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि भाई मैं दो दिन से गेम खेल रहा हूँ मुझे एक भी बारी वो नहीं मिला। तो इसलिए मैं तुम्हारे से पूछ रहा हूँ, या उसकी कोई पर्टिकुलर लोकेशन है जिसपे भाई वो स्पॉन होता है, मतलब वो हवा में उड़ सकता है, खतरनाक चीज़ है। अभी आए थे हम स्कूल अपार्टमेंट की तरफ और यहाँ पे मैं रवि को कहता हूँ, मैंने कहा भाई वो लोकेशन ट्रैकर गेर, और जैसे ही पता लगता है सिर्फ यहाँ पे दो बंदे हैं तो भाई हम इन पे अंधा पुश करते हैं, पर मुझे किल एक भी नहीं मिलता, पता नहीं कैसे। यहाँ पे इन बंदों ने गेम एक्स प्रो को नॉक कर दिया था, पर भाई किसी ना किसी तरीके से हमने इन बंदों को मार दिया। अब इन बंदों को मारने के बाद मैं सबसे पहले तो थोड़ी सी लूट लेता हूँ, और उसके बाद एक नीचे बंदा आता है यार भाई, वो मुझे सीरियस नहीं पता था वो बंदा है, मुझे ऐसा लगा कि भाई नीचे बोट आया, तभी मैं इतनी स्पीड में कूद गया। और जब मैं नीचे पहुंचता हूं तो भाई इस बंदे की आउटफिट से पता लगता है, मैंने कहा भाई ये तो रियल बंदा था, मतलब ये मेरी पेटी बना सकता था, वो तो पता नहीं मैं कैसे बच गया यहाँ पे। फिलहाल अभी जो है मैं यहाँ पे हीलिंग वगैरह करता हूँ, पर अभी कुछ और बंदे हैं जो कि स्कूल की तरफ है, उन्हें भी मारना है। तो चलो भैया चलेंगे उन्हें भी मारने, अगर नहीं मारा तो भैया सीन खराब हो जाएगा। गाइस अब हमने उठाई गाड़ी और सीधा डायरेक्ट पुश करा भाई स्कूल वाले बंदों पे। अब भाई इनकी मतलब देखना तुम कैसे मौत आई हवा से उड़ के। एक बंदा मैंने बाहर से ही नॉक कर दिया, और कुछ बंदे भाई इनके पीछे भाग रहे थे और कुछ छत पे थे। और इस वाले बंदे को भी मैंने नॉक करा, अब देखते हैं यहाँ पे और बंदे हैं क्या इनके। ये छत वाला बंदा तो भाई पहले से नॉक पड़ा था, आई थिंक सो इसे गेम एक्स प्रो ने नॉक कर दिया होगा नीचे से, पर चलो कोई नहीं, मर चुके हैं ये बंदे भी। फिलहाल चलते हैं यहाँ से इनकी लूट वगैरह लेके। अभी जो है यहाँ से हम लूट वगैरह करके निकल ही रहे थे, गेम एक्स प्रो ने तो भाई गाड़ी भी उठा ली थी, पर सामने कुछ बंदे थे जो कि कैंप कर रहे थे, और भाई अब उन्होंने फायर देना स्टार्ट करा।
अब यहाँ पे मैं तो किसी ना किसी तरीके से कवर में आ जाता हूँ, पर भाई वो बंदे गेम एक्स प्रो को कवर में नहीं आने देते, और यहाँ तो पूरा का पूरा मैच जो है भाई वो अब मेरे हाथ में और गेम एक्स प्रो के भाई के हाथ में है। तो देखते हैं हम इस मैच को जीत पाते हैं या नहीं, पर उससे पहले भाई इन बंदों को मारेंगे, गेम एक्स प्रो का बदला लेंगे। रुक जाओ जरा एक मिनट। अब यहाँ पे तुम्हारे भाई ने एक नेड फेंका, जिस नेड में भाई कुछ भी नहीं हुआ, एक भी बंदा नोक नहीं हुआ। तो मैंने गेम एक्स प्रो के भाई को कहा, आर्यन को, मैंने कहा इधर की तरफ आ जाए, मैं तुझे रिवाइव दे दूंगा। और ये वही बंदा था जिसने इसे नोक करा था, पर चलो सबसे पहले इसे रिवाइव देते हैं, फिर मारेंगे भाई ऊपर वाले बंदे जो कि ऊपर बच रहे हैं अभी। गाइस अब जैसे ही मैंने इसे रिवाइव दिया उसके बाद भाई मैंने एक और ग्रेनेड ऊपर फेंक दिया इसी विंडो से, और लकीली इस वाले ग्रेनेड में एक बंदा नोक हो गया। अब दो बंदे तो मैंने नोक कर दिए थे, ये बंदा भाई अंधी गोली चलाया जा रहा था, तो मैं यहाँ पे बैठ के जिंदगी में चल भाई कोई नहीं तू चला ले बाद में तुझे मार देंगे। और यहाँ पे प्री फायर दिया पर वो निकला नहीं बिल्कुल भी। और इतने में मैं नेड करके मारता भाई, इतने में तो गेम एक्स प्रो के भाई ने उसकी पेटी बना दी और खतरनाक तरीके से ये वाले बंदे मर चुके थे यहाँ पे। तुम मुझे बताना तुम्हें ये वाला सीन कैसा लगा, और अगर तुम्हें ये वाला सीन पसंद आया हो तो इस वाले वीडियो पे लाइक कर देना, और अगर नहीं हो तुम इस वाले यूट्यूब चैनल पर तो मेक श्योर कि तुम सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस तुमने PUBG मोबाइल में भाई बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, बहुत सारे हैक देखे होंगे, और बहुत सारी यूनिक चीज़ें तुमने आज तक देखी होगी, पर जो आज की इस वाले वीडियो में मैं तुम्हें चीज़ दिखाने वाला हूँ ना भाई तुमने कभी भी नहीं देखी होगी। अभी फिलहाल हमने स्कूल के पास से अपनी डांसें उठाई और हम जा रहे थे दूसरे बंदों पर रश करने, दूसरे बंदे हमें मिले भी भाई पोचिंकी के चर्च पर। और तब जैसे ही हम बंदों के सामने पहुँचे तो भाई क्या हुआ मेरे साथ, बस तुम खुद देखते रहना। अब मैं जो है पोचिंकी के चर्च तक पहुंच गया था, और मैं यहाँ पे कैसे आया भाई मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मैंने तो सीधा एग्जिट दबाया था और उसके बाद मैं यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गया। मुझे यहाँ पे एक BRDM खड़ी हुई दिखती है, इस BRDM को मैं सबसे पहले नीचे उतारता हूँ, और BRDM से उठाता हूँ मैं एक कार, और उस गाड़ी को लेके जाता हूँ मैं दोबारा से अपने टीममेट के पास। देख लो मेरा टीममेट वहीं है, वो उन बंदों से लड़ रहा, पर भाई मैं यहाँ पे पता नहीं कैसे टेलीपोर्ट हो गया। अब एक बारी को गेम एक्स प्रो को तो लगा ये किसी तरीके का हैक है, पर ये भाई पता नहीं क्या अजीब सा ग्लिच था। तुम मुझे बताना तुम्हारे साथ हुआ है या नहीं ये सीन, भाई मैं अपने आप को खुद क्यों टेलीपोर्ट करता, मेरे सामने दो किल थे अच्छे खासे। अब यार मुझे यहाँ पे साइड में एक कंपाउंड में गाड़ी खड़ी हुई दिखती है, पर भाई मैं आर्यन के पास जा रहा था गेम एक्सप्रो के भाई के, मैंने कहा चलो भैया सीधा वहीं चलते हैं। अब वहाँ पे जाता मैं, इससे पहले उसने सारे बंदे मार दिए थे, और उसको भी उठा के गाड़ी में मैं दोबारा से इन बंदों पर पुश कर देता हूँ जो कि यहाँ पे थे इस कंपाउंड पर। पर मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, मेरी किस्मत यहाँ पे थोड़ी सी ख़राब रही, यहाँ पे सिर्फ मुझे एक बंदा मिला, और दो बंदों के पास से तो भाई मैं टेलीपोर्ट ही हो गया। और साइड में जो है एक ये एयर ड्रॉप दिखता है तो इसे भी लूट लेता हूँ मैं, मैंने कहा चलो भाई हेलमेट थोड़ा सा डैमेज है लूट लेते हैं। ये जो है बिल्कुल लास्ट जोन था और 5-6 बंदे ही बच रहे थे, और यहाँ पे हम आए, मैंने कहा इसे यहीं पे रोक ले, हाई रीच एडवांटेज हमें मिल जाएगा और कोई बंदा हमें दूर रेंडर भी हो सकता है। अब भाई ये ट्रिक मतलब सीरियसली काम करगी, सामने कुछ बंदे दिख गए हमें। यहाँ पे जो है मैंने 2-3 स्मोक फेंकी, और 2-3 स्मोक फेंकने के बाद आर्यन ने फेंका भाई एक लोकेशन ट्रैकर, जिससे कि बंदे की एग्जैक्ट पोजिशन हमें पता लग गई थी, और अब बारी थी भाई इस बंदे को पेलने की। हाथ में जो है गाइस मेरे MK14 थी, और ये गन सीरियसली बहुत ज्यादा खतरनाक है क्लोज रेंज में। तो
अब फिलहाल इस वाले बंदे को जैसे ही मारा मैंने इसे पूरा फिनिश करा और इसका एक और टीममेट था जिसने हमारे ऊपर पुश कर दिया। पर उस बंदे ने हमारे ऊपर डायरेक्ट पुश नहीं करा था, वो साइड वाले रिच पे आकर रुक गया था और भाई उसे मारना भी भाई बहुत ज़्यादा आसान था क्योंकि यहाँ पे अगेन मेरे टीममेट ने लोकेशन ट्रैकर फेंका और उसकी लोकेशन आई और इजीली मार दिया उसको। तो फिलहाल इसी बंदे के साथ 16 किलो हो चुके थे अपने और होप्स तुम अगर इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो तुम्हें अली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अगर तुम नहीं हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। और लास्ट वाला बंदा भी सामने दिख ही गया था। तो ये रहा गाइस एक और इजी चिकन डिनर, होप्स तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। और बेस्ट पार्ट बताना यार इस वाली वीडियो में तुम्हें कौन सा लगा और वो वाली चीज़ भी मुझे बताना तुम कमेंट सेक्शन में, तुम्हें मोटर ग्लाइडर मिला है या नहीं अभी तक। बाकी यार मुझे तो बिल्कुल भी नहीं मिला और इस मैच में मैं टेलीपोर्ट कैसे हुआ सीरियसली मुझे भी नहीं पता भाई, वो खतरनाक ही ग्लिच था। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, यहाँ पे आके तुम मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे बारे में और अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।